Hey friends, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Nikhil Shoran and today we have Kushal Bhaiya with us. Hi Kushal Bhaiya. Hello bro. So if you don't know already, Kushal Bhaiya has over 150,000 subscribers on YouTube and he is probably the biggest YouTuber on campus right now. So Kushal Bhaiya, if I were to ask you to define yourself in one line, aap kaise define karoge? So I would define myself as someone who always looking for exploring something new. And trying different things, and just being curious and passionate about things. Okay, so आपके YouTube पे 150,000 subscribers हैं. How did it all start? आपने कब से YouTube पे video बनाना start किया? So it all started during back in COVID days. तो जैसे कि free बैठे रहते थे most of the times घर में, पढ़ने का मन नहीं होता था. Yes. तो तब I was learning video editing. So video editing के साथ साथ ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे idea आया कि class 10th में जब मैं पढ़ाई करता था तो ऐसे हिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होता था और तब मैं ऐसे कुछ हिस्ट्री वाले गेम्स जैसे Assassin's Creed, Red Dead Redemption 2 इस टाइप के गेम्स खेला करता था. उसके बीच बीच में ऐसे क्लिप्स आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इन क्लिप्स को इन मीनिंगफुल वे में अरेंज करके फिर उसमें वॉइस ओवर करके पढ़ाया जाए. तो जस्ट मतलब एडिटिंग करने के लिए मैंने वैसा वीडियो बनाया एंड फिर ऐसे ही अपलोड कर दिया यूट्यूब में. एंड फिर स्लोली स्लोली उसमें लाइक मैंने डाल के छोड़ दिया. 20 डेज बाद मैंने चेक उसमें थे 200 व्यूज. सो इट वाज अ बिग डील फॉर मी. तो ऐसे बच्चे फिर कमेंट कर रहे थे कि अगला वीडियो बनाओ नेक्स्ट पार्ट बनाओ. तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गया. फिर 30 सब्सक्राइबर्स हो गए तो 30 सब्सक्राइबर्स देख के ऐसे एकदम खुश हो गया मैं. फिर ऐसे एक दिन में एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता तो उसी में खुशी मिल जाती. फिर ऐसे में बनाते गया अगला पार्ट ऐसे फिर अपलोड करते गया कंसिस्टेंटली तो सब फिर ऑर्गेनिकली सब अपने. सो यू स्टार्टेड आउट एज अ स्टडी चैनल राइट? या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुशल भैया बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं. सो ही प्लेज लाइक 7 or 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो उसकी क्या स्टोरी है, वो आपने कैसे सीखा? मतलब मैं ऐसे परफेक्टली नहीं बजा पाता लाइक एकदम प्रो लेवल पे. वैसे बहुत लोग हैं यहाँ भी हमारे कॉलेज में भी है हम प्रो लेवल पे बजाते हैं. मेनली ड्रम्स बजाता हूँ मैं बहुत अच्छे से, बाकी सब मैं थोड़े बहुत बजा लेता हूँ. ऐसे ही मतलब बचपन से ही ऐसे म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है एंड ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का ऐसे रहा है शौक. तो थोड़ा बहुत करके सब ऐसे थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया एंड मेनली मैं ड्रम्स बजाता हूँ. ओके, सो यूट्यूब पे अभी आप किस बारे में वीडियोस बनाते हो मोस्टली? अभी मोस्टली क्लास 10th के लिए मेरी वीडियोज़ रहती हैं. मोस्टली स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और बेसिकली समझाना कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. एंड उसके अलावा बीच बीच में अभी मैं ब्लॉग्स भी डाल रहा हूँ ऐसे कॉलेज के. तो अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था माय फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एट बिट्स को. हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था हमारे बैच के स्टूडेंट्स का मूवी. नाइस. तो डू यू हैव एनी प्लान्स टू पिवट योर यूट्यूब चैनल इन द अपकमिंग डेज? यस, आई एम प्लानिंग टू डू सो. स्लोली स्लोली आई विल बी अपलोडिंग मोर ऑफ माई लाइफ स्टाइल वीडियोज एंड लाइक अ डे इन माई लाइफ वीडियोज इस टाइप की चीज़ों में मैं धीरे धीरे शिफ्ट हूँ. So do you view YouTube as a business or as a hobby? Start as a hobby किया था but YouTube को मैं ऐसे देखता हूँ कि YouTube is not business but YouTube के through you can create multiple businesses. मैं ऐसे देखता हूँ. आप अभी भी इसको as a hobby pursue कर रहे हो? हाँ, फिलहाल तो ऐसा hobby है, बहुत मज़ा आता है videos बनाने. तो for the love of making videos I still do that और आगे भी मतलब उसके लिए ही करते रहूँगा. But through this you can create multiple businesses and then you can monetize it. Nice. And what do your parents think about your YouTube stuff and this? Parents are very happy. They like बहुत ज़्यादा खुश होते हैं parents क्योंकि like शुरू में obviously कुछ नया करते हो तो parents is like कि पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहा है. But slowly slowly when you show them results फिर आप पैसे कमाने लग जाते हो एक बार तो parents obviously खुशी होते हैं. अब उनका पूरा support है कि जो करना है कर. Okay. आप कितने पैसे कमाते हैं YouTube से? चिल्लर ही मिलता है. Do you want to reveal how much like exact number or at least a range ki kitna? Main matlab aisa bata sakta hu ki yahan jitna average package lagta hai utna mein kamal se. Placement mein baithne ka plan hai? Plan filhal to hai but aage dekhte hain. The thing with YouTube is ki YouTube is not that sustainable. Tumko pata nahi ki kab tumhara channel kis rate pe chalega, kab views aayenge, kab kitna paisa milega. So it's fine matlab ek side income ki tarah isko dekhne. Jaise ki maine bataya if you create a business through it then it's fine, वो sustainable हो जाएगा. But इसको ऐसा नहीं, YouTube को मैं as a full time नहीं देख सकता कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ YouTube से, भले मैं कितना भी पैसा कमा लूँ but it's not sustainable. Okay, तो आपके life को how do you think YouTube has affected the path of your life? सबसे important चीज़ मतलब मुझे ऐसे externally नहीं पता कि कितना effect होता but internally the thing is कि जो हम
हमेशा सोचते हैं एज अ पर्सन की लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ऐसा सब सोचते हैं कि कुछ, जितने भी लोग सोचते हैं कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, और ऐसा सोचते हैं कि मतलब अगर एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कि मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे, मेरे पास एक सिल्वर प्ले बटन होगा, तो वो सोच के ही बहुत बड़ी चीज़ लगती है, ऐसा लगता है अचीव नहीं होगा। मतलब मेरे को कभी ये भी नहीं लगा था कि आई विल अचीव 1,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, बट मतलब जब वो 1,000 सब्सक्राइबर्स भी हुआ ना, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा मैंने सब ऐसा उखाड़ लिया वैसा की लाइफ। मतलब वो सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा ऐसे तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो अभी जैसे कि मेरे को ओएसिस में एज अ ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी बुलाया गया था, तो वहाँ जैसे अमित त्रिवेदी का कॉन्सर्ट था, तो आई वॉज एकदम फ्रंट में। तो ये सारे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा शेप करते तुम्हारी पर्सनैलिटी को, कि तुम्हारा अपने लिए आउटलुक चेंज हो जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया यूट्यूब। 150,000 प्लस प्रिविलेजेस। हाँ मतलब ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट होती है मेरे हिसाब से, बट तुम अपने जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिस हिसाब से तुम खुद को देखते हो, वो बहुत चेंज हो जाता है। ओके, आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है यूट्यूब पे और लाइक ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, बट आई हैव नॉट सीन दैट यू अपलोड लाइक अ लॉट ऑफ दीज रील्स एंड शॉर्ट्स एंड, तो आप ये क्यों नहीं करते हो? मेनली तो सीन ऐसा ही कि जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो रहता शॉर्ट है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट का वीडियो तो वो 5 मिनट में बन गया, तो 1 मिनट के शॉर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, तुमको अच्छे से रिसर्च करनी होगी। फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हुक, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा देर तक तुमको अटेंशन बनाए रखना पड़ेगा। तो ये सारी एफर्ट बहुत जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म है तो वो जल्दी बन जाएगा। तो अभी कॉलेज में जो टाइम मैनेजमेंट चीज़ है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो मेरे लिए एक ऐसा एक हफ्ते में एक वीडियो बनाना भी बहुत ऐसा मुश्किल सा टास्क हो जाता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैं शॉर्ट्स अपलोड नहीं करता, एंड बाकी मेरे जो डोमेन है उससे रिलेटेड मुझे उतना नहीं लगता कि मुझे उससे फ़ायदा होगा, दैट्स व्हाई आई डोंट अपलोड शॉर्ट्स। मतलब वो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी डेफिनेटली शॉर्ट्स इज़ गुड, और मतलब शॉर्ट्स से भी लोग ग्रो हो रहे हैं, और इंस्टाग्राम में रील्स इज़ वेरी नाइस, अगर उसमें तुम टाइम एंड एफर्ट लगा पाओगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्योंकि मैं वो पूरा अपना 100% नहीं दे पाऊँगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। ओके, आर यू फोकसिंग ऑन ग्रोथ राइट नाउ, कि यू ओनली व्यूअर्स कि मेरे को मज़े आ रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, एंड एज अ साइड चीज़ वो अपने आप ग्रो होती जा रही है? बेसिकली दोनों ही चीज़ है, मज़ा आ रहा है इसलिए भी कर रहा हूँ, एंड बेसिकली ग्रो ऑब्वियसली करना है, हर एक क्रिएटर को ग्रो करना होता है, दोनों चीज़ पे ही फोकस है, बट मेनली फिलहाल मज़े आ रहे हैं मेरे को। ऐसे मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आता है, ऐसे लोगों को मुझे हेल्प करने में, गाइड करने में, वो मेरे को हमेशा से ही मज़ा आता है। जैसा कि मैं बताऊँ तो जैसे मैं क्लास 11th में था ना, तब ऐसे मैंने रैंडम ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं उनके नीचे कमेंट कर देता था कि लाइक इफ़ यू नीड हेल्प, सो दिस इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड बाई क्लास 10 टॉपर्स, और इस तरीके से फिर ऐसे 100 बच्चों का ग्रुप बना दिया था मैंने, फिर फ्री में 1 साल उनको गाइड किया। तो ये शुरू से मुझे बहुत पसंद है ऐसे मेंटरिंग करना, ऐसे गाइड करना, तो फॉर द लव ऑफ इट एंड फॉर द लव ऑफ मेकिंग वीडियोज आई स्टिल डू इट, एंड ऑफकोर्स ग्रोथ पे तो फोकस रहता ही है, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस इंपॉर्टेंट, तो उस पर फोकस कर। नाइस, थोड़ा सा गाइड हमें भी कर दीजिए। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर नूब्स, लाइक नूब्स मैं अपने यूज़ कर रहा हूँ, बट अगेन डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर ए समवन हु स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ? एडवाइस यही है कि लुक फॉर, मतलब एक डोमेन पिक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जितने नए यूट्यूबर्स को देखता हूँ उनको देखता हूँ कि कोई सिंगिंग का वीडियो अपलोड कर रहा है, फिर गेमिंग का वीडियो अपलोड कर दे रहा है, फिर ब्लॉग डाल दे रहा है, सो दिस इज़ लाइक वेरी इनकन्सिस्टेंट, और ऐसे चैनल ग्रो नहीं होगा। सो यू नीड टू पर्टिकुलरली पिक अ नीश, और नीच डिसाइड कर लिए तो उसमें देखो कि हाउ यू कैन स्टैंड आउट, जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जो मिलियंस में बैठे हैं उनसे तुम कैसे कम्पीट करोगे, उनसे स्टैंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था, तब भले मुझे गाइड भी करना था बच्चों को, तो तब शायद वो मैं अगर मैं वहाँ उस पॉइंट से शुरू करता तो मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी लोग थे, तो मुझे स्टैंड आउट करने के लिए ऐसी चीज़ करनी पड़ी जो कोई भी नहीं कर रहा था पूरे यूट्यूब। सो उसके थ्रू मैं ग्रो किया, एंड फाइनली वो किया जो मैं करना चाहता हूँ धीरे धीरे। सो ऐसा है, तो पिक अ नीश, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंस का नीश हो गया, एजुकेशन का नीश हो गया, फिर उसमें देखो कि मैं अलग क्या करूं। अगर तुमको सॉलिड चीज़ मिल जाती है कि ये मेरा स्टैंडिंग पॉइंट है, ये मेरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, तो तुम आराम से ग्रो हो जाओगे, बस कंसिस्टेंटली फिर तुमको वीडियोज अपलोड करना। लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट टॉपिक देन यूट्यूब नाउ। सो आपने 1 साल ऑनलाइन कॉलेज में पढ़ाई की, एंड राइट नाउ यू हैव कम टू ऑफलाइन, आपका लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा इन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कॉलेज? सो ऑनलाइन में ऐसा था कि मैं ऐसा हो गया था कि अब मैं घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता, क्योंकि जेई में मैं ऑलरेडी लाइक पूरा कोविड के कारण से घर में पढ़ पढ़ के थक गया था, आई वॉज लाइक कि अब ऑनलाइन क्लास होगा तो मैं घर में नहीं बैठ रहा।
तो मैं मनाली भग गया था एक महीने के लिए. आई वॉज लाइक ये और अकेले चले गया. मैं सब अपना पैक वैक किया, मम्मी पापा को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर प्लान वैन करके उनको बताया. बट पेरेंट्स का, क्योंकि मैं अर्न करने लगा था तो वो पेरेंट्स का वो ट्रस्ट गेन कर लिया था कि कर लेगा, मतलब ऐसा. अच्छा, आपके पेरेंट्स लाइक ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं करते कि सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन अभी बच्चा है, छोटा बच्चा, बात मतलब थोड़ा ऐसा चिंता तो होती है ऑब्वियसली पेरेंट्स है तो, बट ऐसा वो ट्रस्ट विथ टाइम डेवलप हो गया है. अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है कि मैं कहीं भी चले जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ. बट उस पॉइंट पे मेरे लिए भी बड़ी चीज थी कि मेरे को कैसे जाने दे रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे मैं जाता था. बट आई वॉज लाइक नहीं, घर तो नहीं रहना. तो इसके लिए ऐसे मैंने प्लान किया रैंडमली और मैं चले गया. तो वो मेरा अलग एक्सपीरियंस है, उसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है. तो ऑनलाइन का वैसा ही था. बाकी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेनली क्लास होती थी ऑनलाइन क्लास, जो कोई अटेंड करता नहीं है, और बस एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं और सबको पता है फिर एग्जाम्स में कैसे पास होते हैं. तो एज सच जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऐसे बाकी चीज़ें होती है कॉलेज, मतलब मेरे हिसाब से पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ें करनी होती कॉलेज, तो वो नहीं हो रही थी. तो फिर अभी ऑफलाइन जैसे ही हम कॉलेज आए फिर भी क्लास शुरू हुई, तो बिट्स में 0% अटेंडेंस है. तो एक क्लास गया, उसके बाद मैं कोई क्लास नहीं गया. उसके बाद फिर म्यूजिक सोसाइटी में दिन के 3-4 घंटे वहीं स्पेंड कर रहा हूँ, वहीं पर म्यूजिक कर रहा हूँ और बाकी क्लब्स में टाइम दे रहा हूँ. तो ऐसे ही क्लब्स के साथ, दोस्तों के साथ, इन्हीं सब में ऑफलाइन निकला. बढ़िया, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल. भले हम बहुत कम टाइम, लाइक फर्स्ट ईयर में वी वर ओनली ऑन कैंपस फॉर 3 मंथ्स, बट ऑन कैमरा अभी नहीं बता सकता. ओके, हाउ डज इट फील टू बी अ सीनियर नाउ? अभी तो आप 2 महीने से यू हैव फ्रेशर्स अराउंड, तो उनके बीच में ऐसा, और आपको तो स्पेशली लाइक ज्यादा पॉपुलैरिटी भी ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, मतलब क्योंकि ध्रुव एंड प्रथम उनकी रिलेटिवली ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे मैं शांत सा ही रहता हूँ बेसिकली. बट हाँ, इन जनरल ऐसे सीनियर वाली फील नहीं आ रही ऑनेस्टली. बट ऐसे अच्छा लगता है ऐसे जूनियर आके पूछते हैं चीज़ें, इंटरेक्ट करने में, उनको गाइड करने में हमेशा की तरह मज़ा आता है. बट थोड़ा सा वो वाली फील है कि अभी हम 3 ही महीने हम कैंपस आए एंड फिर हम सीनियर बन गए, तो वो वाली थोड़ी सी फील है. बाकी इट्स फन. कॉलेज लाइफ बेस्ट होनी चाहिए, अभी तक जो हुआ हुआ, बट कॉलेज लाइफ आई वॉन्ट की बेस्ट होनी चाहिए. एंड फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट ईयर का इतना बड़ा चंक मुझे नहीं मिला था, उसका थोड़ा सा मुझे दुख होता है. बट इट्स फाइन, फिर जब हम 3 महीने के लिए कैंपस आए तो सब ऐसे लगा कि सब वर्थ इट हो गया, सब वसूल कर लिया. ओके, फर्स्ट ईयर में आपकी सीजी कितनी थी? ये नहीं पूछ. सो जो फर्स्ट ईयर में अभी बच्चा आए हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? ऑब्वियसली मतलब एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, मैंने फोकस नहीं किया, बट इम्पॉर्टेंट है. आई गाइड अदर्स टू अ प्लेजर दैट आई कैन नॉट पोजेस. सो सब सीनियर्स बोलते हैं सबकी सीजी खराबी होती है, बट सब यही बोलेंगे कि हाँ क्लास जाओ सी. बट ठीक है, मतलब एकदम भी एकेडमिक्स छोड़ मत दो, यही है कि एटलीस्ट 7 से ऊपर मेंटेन कर लो, उससे नीचे मत जाना, बस यही है. बाकी तो बाकी रूम पे मत पड़े रहो, कुछ भी बस करते रहो, रूम से बाहर ही रहो, दोस्तों के साथ रहो, क्लब्स में जितना सीख सकते हो, जितने एक्टिविटीज ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही में अभी बहुत टाइम मिलेगा. सही में बहुत टाइम है फर्स्ट ईयर में, जो करना चाहो वो कर सकते हो. चीज़ें, कुछ नया स्पोर्ट खेलना है तो स्पोर्ट्स में खेल सकते हो, कोई नई स्किल्स डेवलप करनी है जैसे निखिल वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, मतलब इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ऐसी कोई भी नई स्किल, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है या कोई मान लो UI/UX सीखना है, किसी को कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, तो अभी लाइक परफेक्ट टाइम है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने का. एक्सप्लोर ज़्यादा से ज़्यादा करो, एकदम भी घोट बन के दिन भर ऐसे 9 CG लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 के ऊपर रखो और अपने जितना भी एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करो. ओके, तारीख के लिए शुक्रिया. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक क्लब्स और डिपार्टमेंट्स में घुसना है फर्स्ट ईयर में? सो आपकी सोशल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब एट द एंड तुम पे डिपेंड करता है तुम किस एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो. अगर तुम लाइक सोशली ऑकवर्ड हो या थोड़ा ओपन अप होना चाहते हो, सो लाइक जैसे ड्रामा क्लब हो गया, माइंड क्लब हो गया, इस टाइप के क्लब में जाके अच्छा होगा सोशल इंटरेक्शन, तुम ऑब्वियसली ओपन अप हो गए क्योंकि तुमको एक्ट करना होगा. तो ऐसे अपने लिए आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के चीज़ों में जाओ. अगर तुमको लाइक फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फिल्म मेकिंग क्लब, फिर डोपी हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी, इस टाइप की चीज़ें एक्सप्लोर करो. तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो जैसे कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो ऑफकोर्स मैं म्यूजिक सोसाइटी में गया. तो आइडेंटिफाई करो किस चीज़ में या तो तुम्हें इंटरेस्ट है या किस चीज़ में तुम्हें इम्प्रूव करना है, ऐसे तुम कुछ क्लब्स ज्वाइन कर लो. एंड मेक श्योर करो कि जो भी क्लब्स में रहो उसमें तुम एक्टिव रहो, ये इंपॉर्टेंट है. मतलब ऐसा होता है कि गलती क्या होती है फर्स्ट ईयर में कि 10 क्लब्स ज्वाइन कर लेते, फिर थोड़ा थोड़ा हर जगह होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि किसी भी क्लब में अच्छी बॉन्डिंग फिर क्रिएट नहीं हो पाती.
तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे पिक कर लो अपने लिए। ऑब्वियसली अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करोगे, तो ऐसा तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लिक किस क्लब में तुम्हें टाइम देना चाहिए, कौन सा क्लब वर्थ इट है मेरे लिए, फिर कौन से क्लब को मुझे एंड ऑफ द कॉलेज तक कंटिन्यू करना, फिर उसमें अपना बेस्ट दे दो। बट वॉट इफ आई गेट रिजेक्टेड, फिर मुझे ले ही ना रिजेक्टेड क्लब। ऐसी बात नहीं, मतलब अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो ले लेंगे, तो तुम बाद में भी जाके अप्रोच करोगे तो ऐसा नहीं है कि मना करेंगे। तुम अगर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे तो ले लेते हैं कोई सा भी क्लब हो। और इंडक्शन जैसे जैसे सेल वगैरह भी है, तो भले अभी मान लो अभी नहीं ले ले रहे, बट इंडक्शन वो ऐसे लेता रहता है, ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार होता है। तो अगर जेन्युइनली तुम्हें इंटरेस्ट दिखेगा तो बीच में भी इंडक्ट कर लेते। ओके, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट डूइंग अ स्टार्टअप और समथिंग? क्या आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा है? कॉलेज आने से पहले तो बहुत सोचा था, बट खासकर सेकेंड ईयर में आके ऐसा फील हुआ कि टाइम बहुत कम है। भले लगता है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी है ऐसा, बट सेकेंड ईयर में जैसा कि तुमने क्लब्स के बारे में भी बताया, तो क्लब्स में भी एक मतलब अच्छे क्लब्स में रहोगे तो बहुत तुमसे एक्सपेक्टेड होगा कि तुम वीकली इतना टाइम तो एटलीस्ट डिवोट करोगे, तो उसमें टाइम जाता है। प्लस कॉलेज में एक और चीज़ देखी कि मतलब ये रियलाइज करते हैं काफ़ी लोग कि आने जाने क्लास में, फिर तुमको यहाँ से कहीं मान लो सुपरमार्केट जाना है, उसमें ही तुम्हारे 15-20 मिनट निकल जाते हैं। तो ऐसे पूरे दिन में तुम्हारा कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। सो यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑन सम पार्ट्स। तो अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो तुम्हें लाइक ऑब्वियसली क्लब्स डिपार्टमेंट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अपनी एकेडमिक्स थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है। तो स्टार्टअप ऑब्वियसली कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने हरीश भैया से भी बात की थी, क्यूरियस हरीश, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, डेफिनेटली स्टार्टअप करना चाहिए कॉलेज में। बट हाँ, मतलब करना चाहो तो कॉलेज इज द परफेक्ट प्लेस टू डू अ स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ रिस्क तुम बहुत ज़्यादा ले सकते हो कॉलेज में। इवन इफ यू फेल तो यू कैन ऑलवेज गो टू द प्लेसमेंट्स एंड टेक प्लेसमेंट्स। So do you have any plans? मतलब ऐसे प्रॉपर आई डोंट हैव अ सॉलिड प्लान राइट नाउ, बट अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है दोस्तों के साथ ऐसा कुछ प्लान बनता तो डेफिनेटली। राइट नाउ फॉर दिस सेमेस्टर आई फोकस, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मेरे लिए कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं इतना जेई में मेहनत करके आया था। दैट्स वाई आई टुक, मतलब मैं थोड़ा सा लाइट लिया, क्योंकि मुझे फिर मैं म्यूजिक सोसाइटी में फोकस किया। लाइक आई वेंट टू NIT Trichy, देन वी परफॉर्म एट द कल्चरल फेस्ट वेव्स, फिर हमारे म्यूजिक सोसाइटी के दो इवेंट्स होते हैं हर सेमेस्टर में, तो ओवर ड्राइव वो है म्यूजिक नाइट बेसिकली, मतलब हम परफॉर्म करते हैं सॉन्ग्स, और अभी भी वापस होने वाले हैं परसों। सो इन चीज़ों में मैं ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि एज अ कॉलेज लाइफ मुझे मेमोरीज बनानी और थोड़ा कॉलेज लाइफ को अच्छे से टाइम देना, तो ये सेमेस्टर मेरा फोकस इस पर था। बट लेट्स सी फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर बाकी चीज़ों पर मैं शायद शिफ्ट कर जाऊँ इवेंचुअली। नेक्स्ट सेमेस्टर से बिट्स के 1 ईयर स्टार्टअप की लेने का प्लान है? नहीं वो देखते हैं, लाइक दैट विल ऑफ कोर्स लाइक डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट इट्स अ ग्रेट पॉलिसी। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप में पोटेंशियल है और तुम उसको परस्यू करना चाहते हो प्रॉपरली और तुम्हें टाइम चाहिए, तो पॉलिसी बहुत सही है। सो आपने लाइक बताया कि आप 1 साल ड्रॉप ईयर लेके प्रिपेयर करके आए हो, सो डू यू रिग्रेट कि मुझे IIT का टैग नहीं मिला, या डू यू थिंक कि बिट्स वर्सेस IIT में आपका लाइक क्या ओपिनियन है? तो मैंने जब ड्रॉप लिया था तो मैंने सोच लिया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी, तो मुझे लाइक पर्सनली मतलब फिर ऐसा लोग फिर कंपेयर करने लग जाते, बट मेरे पर्सनली कि मेरे लिए क्या चीज़ें मैटर करती है उस हिसाब से मुझे बिट्स बेस्ट लगा। तो आई सोलली प्रिपेयर्ड फॉर बिट्स, मतलब कि मुझे बिट्स आना था तो ऐसा ही था मेरा, तो मैंने बिट्स के लिए तैयारी की थी ड्रॉप ईयर। तो मेरा ऐसा था नहीं कि IIT, मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था कि नहीं अब बिट्स ही जाना, टॉप 5 ITs नहीं मिली तो बिट्स का सही। सो थैंक्स कुशल भैया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग भाई। इनवाइट तो करते रहेंगे हम, आप दोबारा आते हाँ, रहना। बिल्कुल आएंगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।